मंजिलें हो चाहे जितनी, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। इस बीच बड़ी खबर आ रही है राजधानी रायपुर से, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं। इससे पहले मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, चलिए आपको सीधे ले चलते हैं स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पत्रकारों को संबोधित कर रहे हैं। प्रणाम रूपेश जी। नहीं, उसके पहले एमपी है, कल एमपी है, परसों बिहार, फिर आग दशहरा। हाँ, कल मध्य प्रदेश और उसके बाद परसों बिहार का चुनावी दौरा है और पार्टी ने ड्यूटी दी है। आज तो ऐसा कुछ नहीं जी। कहाँ, अभी राहुल जी से डेट मिला नहीं है, जैसे डेट मिलेगा तो फिर हम लोग करेंगे। ये तो चरणबद्ध आंदोलन होगा कि जंग से फिर जैसा वो टेंशन बनाई आपको? देखिए, जैसे अभी पंजाब और हरियाणा में हुआ है, और जो एआईसीसी का मार्गदर्शन होगा उसके हिसाब से यहाँ भी कार्यक्रम आयोजित होगा। राहुल जी को से हमने रिक्वेस्ट भेजा है कि 2 दिन का समय हमारी छत्तीसगढ़ के लिए दें, और क्योंकि चुनाव भी है और बीच में उन्हें आना है, तो दोनों चीज़ों को देखते हुए जैसे समय हम लोगों को मिलेगा, हम सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि बड़ा कार्यक्रम है आयोजित करें। अभी इसकी कोई संभावना नहीं है, लेकिन ये है कि दूसरी सूची, क्योंकि अभी कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ा था, हम सब लोग उससे चिंतित थे, अब चूँकि अब ये ढलान पर आया है तो इस पर विचार करेंगे। हमारे प्रभारी जी खुद कोरोना से पीड़ित हो गए थे और अभी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, बहुत जल्दी मैं समझता हूँ आजकल में डिस्चार्ज भी हो जाएंगे, उसके बाद बात करेंगे उनसे।